ये भव्य नजारा आपको दिखा रहे हैं पानीपत के डीएवी स्कूल थर्मल की। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीचे बच्चे बैठे हुए हैं जो हवन में आहुति डाल रहे हैं। तस्वीरें आपको बड़ी ही भव्य दिखा रहे हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि डीएवी स्कूल थर्मल में महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर विश्व शांति का आह्वान किया गया। स्कूल परिसर में 51 सुकुंडीय महायज्ञ का आयोजन हुआ। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्टाफ के सदस्यों ने यज्ञ में घी सामग्री की आहुति देकर सनातन धर्म की ध्वजा को भी बुलंद किया। इस विशिष्ट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर की उपस्थिति रही। न्यायमूर्ति प्रीतम पाल ने समारोह की अध्यक्षता की। 200वीं जयंती आर्य समाज, आर्य युवा समाज ने आज आवाहन किया है विश्व शांति का। वी वॉन्ट वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड बेटरमेंट, जगत कल्याण, नथिंग लेस। आज आज जो महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती टंकारा गुजरात में मनाई जा रही है, यहाँ पर ज्ञान ज्योति पर्व जो पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, उसका जो समारोह बन गया है वो टंकारा महर्षि दयानंद के जन्म स्थान पर बन गया है। तो आज उसका आप कह सकते हैं स्टार्ट ऑफ इवेंट है उनकी 200वीं जयंती का। आर्य युवा समाज, जिसमें आर्य युवा समाज हरियाणा, तो ये जो आज के लिए 5100 बच्चों ने विश्व शांति के लिए एक आवाहन दिया है। सर हरियाणा के ही जी, आज सवा सौ जगहों से जी, जैसे सिर्फ पानीपत या आसपास की 125 जगहों से 125 जगह। बच्चे 5100 जो किए हैं, अद्भुत नजारा देखा आपने, क्या कहना चाहेंगे? बस नंबर 1, 2, 3, 4, 5। मैं तो कहूँगा कि ये हमारा जो मन है कि भाई जो बच्चों के जो संस्कार हैं वो आगे बढ़ें। तो ये जो हवन कुंड, जो इन्होंने जो हवन कुंडों में आज हवन किया, वो हवन कुंड उनको दिए जाएंगे ताकि ये घर लेके जाए और घर पे ये उनको याद दिलाएं कि रोज मैं त्यागमय भावना से जीऊं, अपना कर्तव्य करूं और इदनम अमल सोच के चलूं। जो मैंने कहा था कि भाई जैसे जो संगतिशील, कि भाई सारे इकट्ठे मिल के चलें, जुड़ के चलें, एक दूसरे का सोच समझ के चलें, भी माइंडफुल वादर साथ में जी। डीएवी स्कूल प्रबंधकीय समिति एवं आर्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष आर्य रतन पदम श्री पूनम सूरी के मार्गदर्शन में ये आयोजन किया गया। ये आयोजन वैदिक संस्कृति और मूल्यों की लोक को प्रचलित करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य हर घर को भारत की समृद्ध विरासत से जोड़ना है। आर्य युवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी सूरी की अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य हर घर को भारत की समृद्ध विरासत से जोड़ना है। योगी सूरी के दूरदर्शी नेतृत्व में 51 सुकुंडीय यज्ञ अमृत संस्कार की रूपरेखा को आकार देने के लिए हरियाणा के आरओएस, एआरओएस और डीएवी स्कूलों के प्रिंसिपलों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। सतपाल आर्य ने बैठक की अध्यक्षता की। योगी सूरी ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती शांति के प्रतीक थे। उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए आर्य युवा समाज आज विश्व शांति का आह्वान करता है। विश्व शांति के लिए आयोजन हमारी संस्कृति, जड़ों, एकता और मूल्यों को बढ़ावा देने की एक गहन यात्रा का प्रतीक है। 51 सुकुंडीय यज्ञ अमृत संस्कार हमारी वैदिक विरासत को पुनर्जीवित करने और संजोने का एक सामूहिक प्रयास है। इकट्ठे हो और एक विश्व शांति के लिए हम चले। जब हम आज की योजना बना रहे थे तो एक सवाल उठा था कि भाई हवन ही क्यों, 200वीं जयंती है, हम संगीत रख सकते थे, भजन रख सकते थे, प्रतियोगिताएं रख सकते थे, तो भजन यज्ञ ही क्यों। तो जितनी सरलता से ये प्रश्न उठा था उतनी सरलता से उत्तर भी आया था, क्योंकि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म,
बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में देयर इज नो वर्ड फॉर श्रेष्ठतम. इंग्लिश लैंग्वेज हैज गुड, इंग्लिश लैंग्वेज हैज बेटर, इंग्लिश लैंग्वेज हैज बेस्ट. श्रेष्ठतम मीन्स बेस्टेस्ट. यज्ञ इज दैट बेस्टेस्ट एक्शन विच टीचर्स अस हाउ टू लिव अ लाइफ. आज का जो पूरा आयोजन है वो इस संगतीकरण का सबसे बड़ा प्रमाण है. और तीसरी चीज हमारी त्यागमयी भावना, इदनमम. बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस आई वांटेड कि आज सारे आप इकट्ठे हों, यहाँ पर हवन करें और इस हवन को आगे करना सीखें. ॐ मग्नेन सुसाराय स्नान पुष्पानि जित भजनान विद्वान योजो दुरान मेन भूष्टां तेन नयतिं विधेयम्. यज्ञ एक शिष्टम कर्म है जो हमारे जीवन का सार और आधार निर्धारित करता है. इस यज्ञ से हम देव स्तुति, परम पिता परमेश्वर और जड़ देव की आराधना करते हैं और सीखते भी हैं. इस कार्यक्रम में सत्यपाल आर्य, बीके चोपड़ा, धर्मदेव विद्यार्थी, ऋतु दिलबागी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया.